अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अफशा इश्तियाक, योर ऑनलाइन टीचर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 12 एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक। सो स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूलाज आर रिटन इन टू टाइप्स। इन द लास्ट और इन द प्रीवियस लेक्चर we have discussed what is chemical formula and what are the rules and the significance of writing a chemical formula. So compounds are represented by chemical formulas. Chemical formulas are made up of combination of symbols, combination of elements. So there are two types of chemical formulas. First one is the empirical formula and the second one is the molecular formula. In this lecture number 12, we are discussing our first type of chemical formula, which is the empirical formula. Empirical formula is the simplest type of chemical formula as compared to the molecular formula, which is the second one. So the definition of empirical formula is, it is the simplest whole number ratio of atoms present in compounds. जो भी आपके पास होल नंबर रेशियो प्रेजेंट होगी एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जब आप कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, हमने कंपाउंड के डेफिनेशन में स्टडी किया था कि कंपाउंड जो होते हैं वो जो फिक्स कंपोजिशन होती है उनसे बनते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, फिक्स रेशियो बाय मास से बनते हैं। अगर हम किसी भी कंपाउंड की फिक्स रेशियो बाय मास पता होती है तो हम क्या करते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो है वो 2:1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे? हाइड्रोजन जो होता है वो 2 होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो 1 होता है। एच के नीचे 2 नंबर लिखा होता है और ऑक्सीजन जो होते हैं 1 होते हैं। इसका मतलब है जो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है, 2:1 है। इसी तरह अगर हम कोई और कंपाउंड देखें तो फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड सिलिका जिसे हम सैंड को कहते हैं, उसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है वो क्या होती है, 1:2 होती है। 1:2 क्यों होती है, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सिलिका सैंड का SiO2। SiO2 की वजह से सिलिकॉन जो होती है वो 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो SiO2 शो कर रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:2 है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SiO2 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें जो आप हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, ये हमने सारे कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में डिस्कस किए हुए हैं। कंपाउंड्स का में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, कार्बन की रेशियो 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। अगर हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई अगर आपको करके दिखाऊँ डिवाइड करके, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6, तो रेशियो हमारे पास क्या आई है, 1:2:1। तो हम क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं ग्लूकोज का, CH2O क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी एलिमेंट की जो उसको सिंपलेस्ट नंबर उसके शो करे किसी भी कंपाउंड को, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जो आपका के पास केमिकल फॉर्मूला है उसको आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिवाइड कर दो, कैलकुलेट कर दो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 को जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 6 1 6, 6 1 6। तो इसकी होल नंबर रेशियो क्या निकलेगी, 1:1। तो हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, CH। पहले हमने फॉर्मूला लिखा केमिकल तो हमने कैसे लिखा उसको, C6H6। अब हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, CH लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों की रेशियो क्या है, 1:1 है। इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2।
जब हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे तो 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आएगी, 1:1, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, HO लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास उनके केमिकल फॉर्मूलाज होंगे तो उन केमिकल फॉर्मूलाज से हम क्या करेंगे, उनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन में स्टडी किया था कि कुछ फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और जिनको हम फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें भी आपके कुछ फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एग्जिस्ट इन 3-डाइमेंशनल फॉर्म्स, ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन सच ए वे दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूला यूनिट्स को हम क्या कहेंगे कि वो सिंपलेस्ट रेशियो जो आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शो की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl क्या बनेगा, फिर NaCl की रेशियो क्या है, 1:1, तो उसका फॉर्मूला यूनिट भी क्या होगा, NaCl। इसी तरह KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, उसका फॉर्मूला यूनिट भी क्या बनेगा, KBr ही बनेगा। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होती है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट क्या है, आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा उसे क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। हर एलिमेंट जो होता है वो अपना एक स्पेसिफिक एम्पिरिकल फॉर्मूला शो करता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, जो उनका केमिकल फार्मूला होता है वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, यही क्या है उसका एम्पिरिकल फार्मूला, वाटर का ये केमिकल फार्मूला H2O 2:1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो इसका जब हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला भी हम यही लिखेंगे, H2O। सेम इन द वे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला है 1:1, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, 1:1, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, HCl। इसी तरह से NaCl को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जो उसका केमिकल फार्मूला वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स का हम एम्पिरिकल फार्मूला उनके केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया है कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फिर हमने इनकी कुछ एग्जांपल स्टडी की हैं। फिर हमने फार्मूला यूनिट को डिस्कस किया है कि जो फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना इस टॉपिक को क्लोज किया है। आपकी जो असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन नंबर 15-18, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15-18 वो इसी लेक्चर को कवर कर रहा है, वह उसको आपने अपनी असाइनमेंट के लिए कवर कर लेना। थैंक यू।